हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आशीष उनियाल आपका मिशन अकाउंट्स एकेडमी में स्वागत करता हूं, एंड आई होप सो कि आपके अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजल फंटेस्टिक तरीके से चल रही होंगी। मेरे प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, लेक्चर नंबर 8 जो कि रहेगा, वो होगा प्योरली बेस्ड ऑन पास्ट एडजस्टमेंट। बेटा, यहाँ से जनरली बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बने रहते हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि इस लेक्चर में आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझिए और कोई स्कोप, कोई स्पेस ही ना छोड़िए किसी भी तरीके का गलती होने का इस कंसेप्ट में। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम ये अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ना एवरीवन, अगर मैं आपके साथ पास्ट एडजस्टमेंट की मीनिंग को डिस्कस करूँ तो पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब बस इतना ही है कि पास्ट में करे हुए एरर्स, यानी पास्ट में करी हुई गलतियों का आज आप प्रेजेंट में रेक्टिफिकेशन कर रहे हो। तो इसको हम कहते हैं कि हम पास्ट के एरर को आज क्या कर रहे हैं, एडजस्ट। तो दैट इज नोन एज योर पास्ट एडजस्टमेंट। बेसिकली ये जो गलतियां होती हैं यहाँ पर, ये बेसिकली रिलेटेड होती हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, पार्टनर को जो हम एट द एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम लेते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ गलतियां हो जाती हैं बेटा, और इन गलतियों को सुधारना ही इज नोन एज पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम ये चीजें देते ही नहीं है, तो ना देना भी ये भी एक गलती है भाई। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, कमीशन देना था, सैलरी देना था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना था, बट आपने ऐसा कुछ नहीं करा, सीधा फर्म का प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बांट दिया, तो ये भी तो गलती ही हुई। तो ऐसी गलतियों को आपको आज एट प्रेजेंट में क्या करना है, एडजस्ट यानी रेक्टिफाई करना है, दैट इज नोन एज पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, जनरली देखा जाता है बेटा कि जो पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस होते हैं उनमें एक पैटर्न है, वो पैटर्न ये है कि जो आपने गलत चीज दी है सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आप वापिस ले लो। ठीक है, मतलब फर्म ने जो गलत चीज दी है फर्म उसे वापिस ले लेती है, मतलब जो रायता फैलाया है उसको साफ कर दो, उसको पहले वापस ले लो। जैसे ही फर्म अपने गलत प्रॉफिट या गलत कोई भी चीज जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करी है, जैसे ही वो वापस लेती है फर्म, तो फर्म अपनी न्यूट्रल स्टेज में आ जाती है, मतलब एक ऐसी स्टेज में आ जाती है जहां पर फर्म ने कोई एरर नहीं किया। फिर फर्म क्या करती है, वहां से फिर फर्म क्या करती है, जो सही सही चीजें देनी थी वो देना चालू करती है, और उसके बाद फिर फर्म के पास एक प्रॉफिट बचता है एट द एंड। वो प्रॉफिट करेक्ट प्रॉफिट होता है जो कि फिर हमें पार्टनर्स के बीच में बांटना पड़ता है। जरूरी नहीं कि एट द एंड प्रॉफिट या लॉस भी आ सकता है, और फिर वो प्रॉफिट लॉस हमें एट द एंड पार्टनर को बांटना पड़ता है, जो कि करेक्टली हमारा निकल कर आता है। फिर उसके बाद हम टोटल वगैरह कुछ करते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे अभी आगे, फिर एक बैलेंस निकालते हैं और उस बैलेंस के हम एक पास करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। अब वो कैसे करते हैं वो तो हमें क्वेश्चन से ही पता चलेगा, बट मैंने आपको एक शॉर्ट ग्लास दे दिया कि इस कंसेप्ट में हमें कुछ ऐसा करना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 17 है, जो कि इस तरीके से क्वेश्चन में लिखा है कि आपके पास PQR तीन पार्टनर्स हैं जिनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2:2, यानी 1/5, 2/5 एंड 2/5। ओके, आफ्टर डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को बांटने के बाद 31 मार्च 2023, यानी 31 मार्च 2023 को इनकी रिस्पेक्टिव कैपिटल है P की 1,50,000, Q की है 1,80,000 एंड R की है 2,10,000। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं ये क्लोजिंग कैपिटल है, और अगर क्वेश्चन में किसी भी प्रकार से अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाएगा, तो याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं लगता है, कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं लगता। हमें कौन सी कैपिटल पे अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है, ओपनिंग। तो अगर यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर होगा तो इस सिनेरियो में फिर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, और घबराओ मत बिल्कुल भी। आपने सब कुछ पढ़ा है बेटा, आपने प्रायर लेक्चर्स में देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टॉपिक में मेथड नंबर 2 के अंदर, जहां पर हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन होती थी, तो वहां से हम क्या फाइंड आउट करते थे, अपनी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है ना, तो वहां हमने सीखा हुआ है, बस हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, कि कैसे हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे अगर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस क्वेश्चन में गिवन होगा। कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर दे विड्रॉ 20,000 इज, और इन्होंने बोल देना PQR ने ड्यूरिंग द ईयर यानी पूरे साल में 20,000 रुपए निकाले, तीनों ने निकाले 20, 20 एंड 20। ठीक है, अगर ये लाइन ड्यूरिंग द ईयर नहीं भी लिखता और सीधा कहता है कि इन्होंने 20,000 रुपए निकाले हैं, और नहीं बताता पर मंथ है पर एनम, तो भी हम इसे पूरे साल का ही मानते, यानी पर मंथ की ड्रॉइंग हम तब तक नहीं मानते जब तक आप ड्रॉइंग के आगे पर मंथ ना लिख दो। बोलो बात समझ में आई, द आंसर इज यस। कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट है पूरे साल का वो कितना है, 60,000। वेरी गुड, अच्छी बात है, प्रॉफिट भी दे रखा है। और पार्टनरशिप डिड
बोलते हैं ना कि प्रोवाइड कर रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितने परसेंट से, 10% से। यानी आपने अपने रिटर्न एग्रीमेंट्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो कितने रेट से मिलेगा, 10% पर एनम से मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, दे देंगे। हुआ क्या, वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, जब आपने सारे अकाउंट बना दिए तो आपको पता चला कि आपने तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, वॉज नॉट अलाउड, आपने दिया ही नहीं। तो बताओ गलती हुई कि नहीं हुई? और गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि अगर ऐसा इमेजिन करो कि अगर आपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाया होगा तो आपके पास नेट प्रॉफिट रहा होगा 60,000 का, आपको देना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पर आपने दिया नहीं और सीधा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। तो बताओ गलती हुई कि नहीं हुई? हुई। गलती क्या हुई कि तुमने प्रॉफिट ही गलत बांट दिया। तुम्हें पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, फिर उसके बाद जो प्रॉफिट आता वो तुम्हें बांटना था, पर तुमने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बगैर ही अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो कि कंप्लीटली गलत हो चुका है। तो अब आप क्या करोगे, ये प्रॉफिट वापिस लोगे पार्टनर से। जो मैंने बोला था ना कि एक प्रोसेस है यहाँ पे, जो आपने गलत बांटा है ना वो आप वापिस ले लो, जो रायता फैलाया उसको साफ करो। तो पहले जो आपने प्रॉफिट गलत बांटा है वो आप वापिस लोगे, तो आप एक न्यूट्रल स्टेज में पहुंच जाओगे, मतलब एक ऐसी स्टेज पे जहां पे फर्म ने कोई भी एरर नहीं किया था। अब फर्म क्या देगी, सही सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, और उसके बाद फर्म का ऑटोमेटिक सही सही प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि आप पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। एज सिंपल एज दैट बेटा, देखो कितना ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो सर क्या हमें बार बार जैसे पीएनएल अप्रो बनाना पड़ेगा रफ में? नहीं बेटा, नहीं बनाना पड़ेगा। जब हम यहाँ पर एक टेबल बोलते हैं ना, अभी आप देखोगे जब मैं इसको सोल्यूशन करूंगा, तो मैं एक टेबल बनाऊंगा पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, जिसमें मेरे पार्टनर्स का कॉलम भी प्रिपेयर होगा और सिमिलर बोलते हैं ना कि साइमल्टेनियसली मेरे फर्म का भी एक कॉलम प्रिपेयर होगा। उससे मुझे ऑटोमेटिक ये बातें पता चलती रहेंगी, तो मुझे ज्यादा पैनिक होने के और बार बार ऐसे पीएनएल अप्रोप्रिएशन यहाँ पर बनाने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि हमें यहाँ पे प्रोसीड कैसे करना है। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, आ गई। फिर कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैपिटल ऑफ पीक्यूआर एज एट 1 अप्रैल 2022। जी अगर आप नहीं भी बोलते तो भी हमको निकालना था, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे ही नहीं सकते, हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी कंपलसरी है यहाँ पे। और फिर कह रहे हैं पास करो एक नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और एक नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड करने के बाद। हमने कहा ठीक है भाई। और कह रहे हैं अपने वर्किंग्स को क्लियरली शो करो, लाइक वो जो आप अपना क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल निकालोगे तो वो आप क्लियरली शो करो। तो हमने कहा भाई ठीक है, करेंगे। सो आंसर आपका स्टार्ट हो रहा है एक वर्किंग नोट से। आपको एक नोट बनाना पड़ेगा जहां पर आपको टीचर को समझाना पड़ेगा कि आप कैसे अपनी ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हो। अच्छा, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको समझाया भी था प्रायर क्लासेस में कि अगर आपको क्लोजिंग से ओपनिंग में जाना है तो पहले आप ओपनिंग से क्लोजिंग समझो। आपने क्लास 11th में सोल प्रोप्रेटरशिप के लास्ट या सेकेंड लास्ट चैप्टर जो था आपका फाइनल अकाउंट विद एंड विदाउट एडजस्टमेंट, वहां पे भी देखा था, और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में भी इसकी थोड़ी थोड़ी झलक आपने वहां पे देखी थी। अगर आपको ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल में जाना है तो आप अपने नेट प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे, मतलब जो भी प्रॉफिट है वो आप अपनी कैपिटल में ऐड करते हो। अगर आपके कोई एडिशनल कैपिटल है तो वो भी आपने इस ओपनिंग कैपिटल में ऐड करी होगी। अगर किसी प्रकार का कोई नेट लॉस है, या अगर आपने कैपिटल लगाई नहीं है, निकाली है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और अगर आपने बिजनेस के रिसोर्स को पर्सनल यूज के लिए अगर आप लेकर गए हो, लाइक ड्रॉइंग वगैरह अगर आपने करी है, तो ये लेस होती है। इसके बाद जो निकल कर आता है वो आता है आपका क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ये आपको पता है, यहाँ पर इनके अमाउंट हम लिख देते हैं, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे देखो, अगर ओपनिंग से क्लोजिंग ऐसे जाया जाता है तो बताओ क्लोजिंग से ओपनिंग फिर कैसे जाओगे? सर जो चीजें हमने माइनस कर दी उन्हें प्लस करेंगे, और जो चीजें हमने प्लस करी थी उन्हें माइनस कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। और वहां से आप अपनी ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर भी ना यही किया है बेटा। तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ठीक है, 1,50,000, 1,80,000, 2,10,000। तो मैंने टीचर को पहले बता दिया कि हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं, एक छोटा सा चार्ट बनाया, एक पर्टिकुलर का कॉलम, पी क्यू आर का कॉलम, यहाँ पे मैंने क्लोजिंग कैपिटल लिख दी 1,50,000, 1,80,000, 2,10,000, कॉपी एंड पेस्ट करा, कुछ भी मेरा अभी यहाँ पर दिमाग नहीं लग रहा। अच्छा, उन्होंने मुझे ना बेटा ड्रॉइंग दे रखी है। सोचो जब आप ओपनिंग से क्लोजिंग में आए होंगे तो आपने ड्रॉइंग को क्या किया होगा, लेस, क्योंकि ड्रॉइंग कैपिटल से
डिडक्ट करवा दी जाती है। तो हमने पहले लेस किया होगा, बट अब हम क्लोजिंग से ओपनिंग में जा रहे, उल्टा जा रहे, तो जो हमने लेस किया था हम उसे ऐड कर देंगे। तो हमने देखो ड्रॉइंग ऐड कर दिया, और उसके बाद हम लेस कर देंगे प्रॉफिट, क्योंकि हमने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया नहीं, हमने सीधा ही क्या कर दिया, प्रॉफिट को बांट दिया किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। अभी मैंने हल्का पीएनएल अप्रो आपको बनाकर दिखाया था, है ना, तो प्रॉफिट बांट दिया 60,000, बट ये तो सिंगल प्रॉफिट है, और ये बटाए कितनों के बीच में, तीनों के बीच में, तो कौन से रेशियो में बटेगा ये, 1/5, 2/5 एंड 2/5 बिटवीन पी क्यू आर। तो आपने 60,000 का 1/5, 60,000 का 2/5 और 60,000 का 2/5 कैलकुलेट कर लेना है। देखो 5 से ये कितने टाइम जाएगा, 12,000 टाइम, 12 1 जा 12, सिमिलरली 5 से ये भी 12 ही टाइम आएगा, तो 12 2 जा 24, और ये भी सेम ही है, तो 12 2 जा 24,000। तो देखो इजिली आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, और अपनी कैलकुलेशन बहुत अच्छी रखा करो, क्योंकि एग्जाम में तुम लोगों की कैलकुलेशन बहुत वीक होती है, उसकी वजह से तुम्हारे पेपर छूट जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे कंसेप्ट चलो एक वक्त के लिए स्ट्रांग हो, तुम्हारी स्पीड भी चलो अच्छी हो, पर तुम अगर कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे ना, तो बोलते हैं ना कि फिर तो वही बात हो गई, गई भैंस पानी में। तो ऐसे काम बिल्कुल भी मत करना, अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रांग करना। 5 मिनट 10 मिनट बोलते हैं ना कि पूरे दिन भर में 5 मिनट 10 मिनट अपनी एक रफ कॉपी ले ली, उसमें कोई भी रैंडम नंबर्स लिए, उनको ऐड लेस बोलते हैं ना कि मल्टीप्लाई करते रहो, डिवाइड करते रहो। इससे क्या होता है कि तुम्हारा ना कैलकुलेशन स्पीड, कैलकुलेशन का जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है वो कम हो जाता है। तो प्रैक्टिस करोगे ना थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन की तो हो जाए, फिर माइंड में करने की कोशिश करो, कोई रैंडम नंबर लो, उन्हें प्लस करो माइनस करो, तो धीरे धीरे ना आप देखोगे कि आपके कैलकुलेशन की स्पीड बेहतर होती चली जाएगी, इम्प्रूव होती चली जाएगी। ठीक है, चलो। तो हमारा जो प्रॉफिट था हमने पहले ऐड किया होगा ओपनिंग से क्लोजिंग में जाने के लिए, बट हम तो क्लोजिंग से ओपनिंग में आ रहे हैं, मतलब उल्टा आ रहे हैं, तो जो प्रॉफिट ऐड किया था वो लेस करेंगे 12 24 24,000। बोलो क्लियर हो गया। अब देखो 1,50,000 में 20 प्लस करोगे एंड 12,000 लेस करोगे तो ये 1,58,000 आ जाएगा। 1,80,000 में 20,000 ऐड करोगे, 24,000 लेस करोगे तो 1,76,000 आ जाएगा। 2,10,000 में ऐड करोगे, 20,000 लेस करोगे, 24,000 तो ये आ जाएगा 2,06,000, एंड दिस इज योर ओपनिंग कैपिटल। और अब आप इस पे क्या सिंपली लगा सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा सकते हो। ठीक है ना, तो देखो आपने ना अपनी रेसिपी बनाकर तैयार कर दी और एग्जामिनर को भी बता दिया, तो इससे एग्जामिनर को अच्छा लगता है। ठीक है कि हाँ चलो बच्चों ने मेहनत करी है, वैसे भी उसने बोला ही था कि ओपनिंग कैपिटल आपको निकाल कर दिखानी है। अब आप अपना देखो एक टेबल बनाओगे, देखो टेबल इस तरीके से बनेगी आपकी, ये पास एडजस्टमेंट टेबल है। ठीक है बेटा, इसको ध्यान से सुनना, आपने क्या करनी है, ऐसे दो लाइनें खींचनी है और इन दो लाइनों के बीच में एक ऐसी लाइन का डिफरेंस होगा, देखना। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, देखो ये एक लंबी सी लाइन ऐसे खींचनी है, ये बड़ा सा कॉलम रहेगा एक पर्टिकुलर का, और आपको देखना है कि आपके क्वेश्चन में पार्टनर्स कितने हैं। अगर आपके क्वेश्चन में पार्टनर्स है 3 तो आप 4 कॉलम बनाएंगे, और अगर आपके पास 2 पार्टनर है, पी क्यू मान लो 2 ही पार्टनर है, तो 3 कॉलम बनाओगे पी क्यू फॉर्म, मतलब जितने पार्टनर है उससे एक कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा, क्योंकि यहाँ फर्म का कॉलम भी आप बनाओगे, क्योंकि आप बार बार यहाँ पीएनएल एप्रोप्रिएशन तो नहीं बनाते रहोगे, इसलिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन की जगह पे हम यहाँ पे फर्म का कॉलम बनाएंगे। एक तरीके से आप मानो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन ही है फर्म का। ठीक है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड एक्सपेंस की, क्रेडिट साइड इनकम। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर आपने देखो ऐसे 2 कॉलम बना दिए, 2 लाइनें आपने ऐसे खींच दी, और यहाँ पर आपने अपने रिस्पेक्टिव कॉलम प्रिपेयर कर दिए। फिर आपने क्या करना है कि ये जो 2 लाइनें आपने खींची होंगी इसको यहाँ मिड से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना, और यहाँ पर जो पी का कॉलम होगा इसको अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 डेबिट क्रेडिट, ऊपर में नहीं, क्योंकि ऊपर में आप पार्टनर का नाम लिखोगे, ये लाइन ऐसे ऊपर मत ले जा लेना। ठीक है, ये लाइन सिर्फ ऐसे ही रहेगी, तो डेबिट क्रेडिट। सिमिलरली क्यू की भी 2 साइड डेबिट क्रेडिट, आर की भी डेबिट क्रेडिट एंड फर्म की भी 2 साइड डेबिट क्रेडिट। बोलो क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मेट बनाना है। अब आपने क्या करना है इसमें, सबसे पहले देखो आपने देखो गलती क्या कर दी, गलती ये कर दी कि आपने अपना प्रॉफिट बिना सोचे समझे पार्टनर के बीच में बांट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना। तो आपने ये जो प्रॉफिट गलत बांटा है ना, यानी कितना बांटा, 12 24 24, आप क्या करोगे ये पार्टनर से वापस लोगे, तो लिखोगे क्या, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड। क्यों, क्योंकि पार्टनर को दिया था आपने, तो पार्टनर का अकाउंट इससे बढ़ गया होगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जब बढ़ गया होगा तो फर्म के लिए लायबिलिटी बढ़ गई होगी और फर्म ने क्रेडिट किया होगा, तो जो प्रॉफिट आपने रॉन्गली क्रेडिट किया ना फर्म उसे वापस लेगी, यानी पार्टनर का अकाउंट कम कर देगी, यानी डेबिट कर देगी। तो कौन से रेशियो में करेंगे, 1:2:2 में हमने ऑलरेडी निकाल रखा था, तो पी का डेबिट कर देंगे 12,000, क्यू का डेबिट कर देंगे 20,000, आर का कर देंगे डेबिट 24,000, फर्म के पास वापस अपना प्रॉफिट कितना आ जाएगा 60,000, फर्म एक न्यूट्रल स्टेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट सेकंड, सेकंड ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
हमें फिर देखो फर्म न्यूट्रल स्टेज में आ गई, तो फर्म क्या करेगी, सही सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब देना चालू करेगी। जो गलतियां उन्होंने करी थी पहले अब वो दोहराएंगे नहीं। अब क्या करेगी फर्म, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से करेक्टली करेक्टली दे देगी। और क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया जाता है, इससे पार्टनर का अकाउंट बढ़ता है, तो जितना पार्टनर्स का अकाउंट बढ़ेगा बिजनेस के लिए लाइबिलिटी भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर दिया, पार्टनर के यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। अब 10% किसका निकालोगे, ओपनिंग कैपिटल का, तो निकाल सकते हो ना 1,58,000 का 10% 15,800, 1,76,000 का 10% 17,600, 2,60,000 का 10% 20,600, तो आप ये निकाल सकते हो। और ये देखो हमने क्रेडिट कर दिया, तो सोचो फर्म ने दिया है तो पार्टनर को तो मिल रहा है, तो पार्टनर के यहाँ पे तो ये क्रेडिट होगा, पर फर्म का तो नुकसान है ना, तो फर्म तो अपने पीएनएल अप्रो में इसको क्या करेगी, डेबिट करेगी, और ये डेबिट कर दिया 54,000। बोलो बात समझ में आई। अब देखो क्या फर्म ने बोल देना कि चीजें ठीक कर दी, द आंसर इज यस। अब यहाँ पर और कुछ भी नहीं बचा जो ठीक करने के लिए था, जो गलत प्रॉफिट बांटा था वो हमने वापिस ले लिया, जो सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो हमने दे दिया। अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा कि जो सही करना बाकी हो, तो अब फर्म क्या करेगी, अपना अकाउंट देखेगी कि हमारे पास प्रॉफिट बच रहा है कि लॉस बच रहा है। तो देखो फर्म का ना क्रेडिट साइड 60,000 था और डेबिट साइड 54,000 था, यानी फर्म की जो इनकम थी क्रेडिट साइड में वो ज्यादा थी, बट फर्म का नुकसान जो हुआ वो कम हुआ। तो फर्म को ना क्रेडिट साइड में अभी भी कितना बैलेंस देखो पड़ा हुआ है, 6,000 का बैलेंस बढ़ा हुआ है। अगर क्रेडिट से मैं डेबिट को लेस भी करूँ तो क्रेडिट साइड में मेरे अभी भी 6,000 बच रहे हैं। फर्म क्या करेगी इस 6,000 के क्रेडिट बैलेंस का, ये प्रॉफिट बैलेंस माना जाएगा, और फर्म इस प्रॉफिट को किसके बीच में बांट देगी, पार्टनर्स के बीच में बांटेगी। और जैसे ही इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा, वैसे ही फर्म का प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, कितने से, 6,000 से, और फर्म उस 6,000 के प्रॉफिट को जो क्रेडिट में अभी बचा हुआ है उसको फर्म डेबिट कर देगी। तो फर्म का तो एक तरीके से प्रॉफिट कम हो गया, तो 6,000 से फर्म ने अपना प्रॉफिट कम किया, पर यस ये 6,000 का जो प्रॉफिट है अब पार्टनर के बीच में करेक्टली बट रहा है, करेक्टली पार्टनर्स को मिल रहा है, तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि उनका अकाउंट बढ़ेगा तो बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ेगी, तो क्रेडिट हो जाएगा। और कौन से रेशो में, 1:2:2 के रेशो में, क्योंकि इन्होंने ये नहीं बताया कि कौन से रेशो में बांटना चाहिए था, तो हम यही मानेंगे कि जो इनका रेशो था 1:2:2 में, हम इसी रेशो में इस प्रॉफिट को करेक्टली बांट देंगे। कभी कभी बोलते भी हैं बेटा कि जो प्रॉफिट हमें करेक्टली बांटना है वो इक्वल बांटना है या किसी और रेशियो में बांटना है, तो फिर हम उसी रेशियो में बांटते हैं, पर यहाँ पे नहीं बोला तो 1:2:2 में बांट दिया। अब 6,000 को 1:2:2 यानी 1/5, 2/5, 2/5 में बांटोगे तो 1,200, 2,400 और 2,400 आएगा। बोलो क्या फर्म का बोलते हैं ना कि सारा अकाउंट खत्म हो गया, यस। फर्म के पास क्रेडिट में 60 थे और फर्म के डेबिट में भी कितने हो चुके हैं, 60। 54,000 का आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके हैं, 6,000 का प्रॉफिट दे चुके हैं, तो फर्म का तो देखो बोथ साइड टैली होगा। अब आपको करना क्या है, फोर्थ पॉइंट के लिए, फोर्थ पॉइंट में आप लिखोगे बैलेंस, और इस बैलेंस के लिए ना देखो जगह छोड़ देनी है, अभी तो मैंने यहाँ लिखा है पर बैलेंस के लिए यहाँ स्पेस छोड़ देना। और सबसे पहले ना इनका टोटल कर देना, किनका, पी का, क्यू का, आर का। फर्म का तो हो ही गया, पी क्यू आर का टोटल करना, देखना कि पी की कौन सी साइड बड़ी है, और देखना क्यू की कौन सी साइड बड़ी है, ये भी देखना कि आर की कौन सी साइड बड़ी है। जैसे पी का देखें तो पी का डेबिट साइड है 12,000 और क्रेडिट है आपका 17,000, तो अगर आप क्रेडिट साइड को प्लस करते हो पी की तो 17,000 आता है, और डेबिट साइड प्लस करते हो तो 12,000। बताओ कौन सी साइड बड़ी है, सर क्रेडिट, तो दोनों तरफ कितना आ जाएगा, 17,17। क्यू की बात करूं तो क्यू का डेबिट साइड बड़ा है, और क्रेडिट साइड का अगर मैं टोटल करता हूँ तो छोटा है, तो क्यू का बोथ साइड कितना आएगा, 24,24,000। और आर का देखें तो आर का हमें दिख पा रहा है कि डेबिट साइड बड़ी है 24, तो क्रेडिट का टोटल भी कितना हो जाएगा, 24, क्योंकि जो साइड बड़ी होती है तो इनके टोटल का बोथ साइड वही आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो फर्म का तो बोथ साइड ही टैली होना है, क्योंकि फर्म के पास एट द एंड तो कुछ भी नहीं बचेगा, जो बचेगा या तो वो प्रॉफिट बचेगा या तो वो लॉस बचेगा, और वो प्रॉफिट और लॉस हम किसके बीच में बांट देंगे, पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। फिलहाल तो यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा था तो वो हमने पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। ठीक है, अच्छा अब आप देखो कि अगर पी की क्रेडिट साइड है 17,000 और डेबिट साइड है 12,000, तो डेबिट साइड में कितनी कमी आ रही है, 5,000 की, ये हमारा बैलेंस निकला। अब ये बैलेंस क्या है, मैं अभी समझा रहा हूँ, बढ़िया बैलेंस निकला है। फिर क्यू का अगर हम देखें तो क्यू का डेबिट साइड है 24,000, और अगर हम बोलते हैं ना कि क्रेडिट साइड देखें तो ये 20,000 है, अगर आप प्लस करते हो तो ये 20,000 आता है, तो बताओ कितने की कमी आ रही है क्रेडिट में, 4,000 की, तो ये 4,000 का क्रेडिट में हमने बैलेंस लिख दिया। और अगर आर की बात करें तो आर का डेबिट बैलेंस है 24,000, बट अगर हम क्रेडिट का टोटल देखें आर का, तो ये तो आ रहा है कितना, 23,000, यानी यहाँ पर कितने की कमी आ रही है, 1,000 की, तो हमने यहाँ पे 1,000 का बैलेंस लिख दिया। अब ध्यान से सुनो इन बैलेंस का मतलब क्या है, पहले तो आप ये देख लो कि अगर पी का डेबिट है
तो क्यू का क्रेडिट है और आर का भी क्रेडिट है, जितने से देखो क्रेडिट है, कितने से क्रेडिट हो रहा है दोनों का टोटल 5,000 से, उतना ही डेबिट है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि पी का अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है, पी का अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब ये बेचारा नुकसान में चल रहा है। कहने का मतलब क्या है, देखो इसको प्रॉफिट कितना मिला था, 12,000, पर इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट जो सही सही मिलना था वो मिलना चाहिए था 17,000, पर हमने इसको प्रॉफिट कितना दे रखा था, 12,000। तो मिलना 17 था पर इसे मिला कितना है, 12,000। तो फर्म इसको बोलते ना मानेगी कि ये जो पार्टनर है ये नुकसान में, इसको 5,000 रुपये कम मिले, गलती जो हुई है ना हमारी, इस गलती की वजह से इसको 5,000 रुपये कम मिले, ये नुकसान में। ठीक है, और अगर क्यू और आर की बात करें तो क्यू और आर का बैलेंस कहाँ है, क्रेडिट साइड में। तो इसका मतलब यह है कि इनको कुछ ज्यादा ही प्रॉफिट मिल रखा है। अगर आप देखो ध्यान से तो क्यू को प्रॉफिट कितना मिला था गलत, 24,000, बट इन्हें सही सही कितना मिलना चाहिए था, 20। तो गलत प्रॉफिट कितना मिल रखा था पहले, 24, बट इन्हें सही सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट मिलाकर कितना मिलना चाहिए था क्यू को, 20। तो इसको कितना ज्यादा मिल रखा है, 4,000। ये तो इसका मतलब यह है कि ये 4,000 अननेसेसरी फायदे में। बात करें आर की तो आर का भी देखो डेबिट में है 24, मतलब इसको प्रॉफिट जो दिया गया था पहले ये 24,000 दिया गया था, बट इसको करेक्टली मिलना कितना चाहिए था, आईओसी और प्रॉफिट के नाम से इसको मिलना चाहिए था 23,000, पर इसको कुछ ज्यादा ही मिल रखा है 1,000 रुपये। तो ये 1,000 रुपये अननेसेसरी फायदे में। तो जिनका क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है मतलब वो अननेसेसरी फायदे में, और जिनका डेबिट में बैलेंस आ रहा है वो अननेसेसरी नुकसान में। तो हम क्या करते हैं, देखो अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हमने जो फर्स्ट से लेके थर्ड तक किया, प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट वापस लिया, फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही सही दिया, फिर प्रॉफिट सही सही दिया, प्रैक्टिकली हम ये नहीं करते, प्रैक्टिकली हम इन बैलेंसेस को ठीक करते हैं। है सर, इनको नहीं करा, अरे इनको बस इसलिए ठीक करा ये बैलेंस निकालने के लिए। हम जो एंट्री पास करेंगे वो इनकी नहीं करेंगे, हम एंट्री पास इस बैलेंस की करेंगे। लेट मी सपोज मैंने आपको 5 रुपये देने हैं और आपने मुझे 3 रुपये देने हैं। ठीक है, सुनो, मैंने आपको 5 रुपये देने हैं और आपने मुझे 3 रुपये देने, तो पहले मैं आपको 5 रुपये दूंगा फिर आपसे 3 रुपये लूंगा, तो मुझे बताओ ये टाइम प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है? सीधा आप ये नहीं बोलोगे कि देखो सर आपने हमारे 5 रुपये देने, हमने आपके 3 रुपये देने, इससे अच्छा है सर आप हमें 2 रुपये दे दो, नेट दे दो। तो वही बात है, यहाँ पे नेट को ठीक किया जाएगा। ठीक है, अगर हम इनको ठीक कर देंगे तो हमारे एरर ठीक हो जाएंगे। जैसे इसको 5,000 रुपये बेचारे को कम मिले हैं तो इसे 5,000 रुपये ज्यादा दे देंगे, इनको 4,000 रुपये ज्यादा मिल रखा है तो इनसे 4,000 रुपये ले लेंगे, इनको 1,000 रुपये ज्यादा मिल रखा है तो इन्हें 1,000 रुपये ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा एरर ठीक हो जाएगा। इसी को कहते हैं पास एडजस्टमेंट एंट्री, और इसी की हमने एंट्री पास करनी है। तो पास एडजस्टमेंट एंट्री हम बोलते हैं ना जनरल एंट्री का फॉर्मेट बोलते हैं ना प्रिपेयर करेंगे, डेट पर्टिकुलर अलाउड डेबिट क्रेडिट, और यहाँ पे एंट्री पास करेंगे। तो बताओ किससे हम वापस लेंगे, हम लेंगे क्यू से और आर से। कितना प्रॉफिट वापस लेंगे, 4,000 और 1,000, हम मतलब इनकी कैपिटल हम कम कर देंगे क्यूज की और आर की। तो क्यूज की और आर की हम कैपिटल कम कर देंगे यानी डेबिट कर देंगे, कितने से, 4,000 और 1,000 से। और पी बेचारे को नुकसान हो रहा था, इसका डेबिट में बैलेंस आ रहा था, तो हम इसको क्या कर देंगे, 5,000 रुपये दे देंगे। तो इसकी कैपिटल, पी की कैपिटल बढ़ा देंगे, क्यू और आर की कैपिटल घटा देंगे, यानी जिनके बैलेंस क्रेडिट हैं उनके बैलेंस डेबिट कर देंगे और जिनके बैलेंस डेबिट हैं उनके बैलेंस क्रेडिट कर देंगे। बोलो क्लियर हो गई बात, समझ में आएगी? देखो पहला क्वेश्चन है, टाइम लगा हम मानते हैं, पर हमें इसे बहुत अच्छे से समझना है कि गलती ना हो हमारी। ठीक है, बोलो क्लियर हो गई बात, द आंसर इज यस, सो दिस इज द पॉइंट। अच्छा सर, अगर मान लो अगर इनकी कैपिटल फिक्स होती तो, अगर यहाँ कैपिटल में फिक्स लिखा रहता तो फिर मैं तब यहाँ पर कैपिटल की जगह करंट लिख देता, क्यूज करेंट, आर्स करेंट, बीस करेंट अकाउंट से एंट्री पास कर देता, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड में आपका कैपिटल फिक्स रहता है और जो भी पार्टनर्स के इनकम एंड एक्सपेंसेस होते हैं वो फिर कैपिटल में नहीं करंट में जाते हैं। बट अगर फ्लक्चुएटिंग है, फिक्स्ड कैपिटल कुछ लिखा नहीं है, करंट कुछ लिखा नहीं है, तो एक ही अकाउंट यानी फ्लक्चुएटिंग मेथड हम फॉलो करते हैं, एक ही अकाउंट बनता है, तो वहां पर फिर हम कैपिटल अकाउंट से एंट्री पास कर देते हैं। बोलो बात समझ में आई, आंसर इज यस, क्योंकि ये पार्टनर टू पार्टनर के बीच में एरर्स हो रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर पार्टनर की कैपिटल का इस्तेमाल किया है। ठीक है, याद रखना। अब इसके साथ हमारे ये क्वेश्चन खत्म हुआ, तो बताओ आपको प्रोसेस समझ में आया कि कैसे करना है? हाँ सर, समझ में तो आया। फिर भी अगर कोई डाउट होंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ना बोलते ना कि अपनी क्वायरी बोलते ना कि राइट डाउन कर देना एज फास्ट एज पॉसिबल, मैं उनको बोलते ना कि सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अच्छा देखो
फिर एक हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 18 भी है, थोड़ा सा बोलते हैं ना कि एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, अच्छा लगेगा। कह रहे हैं मोहन विजय अनिल और पार्टनर, आपके पास तीन पार्टनर है मोहन विजय अनिल, और इनके बैलेंसेस हैं देयर कैपिटल अकाउंट बीइंग ₹30,000, ₹25,000 एंड ₹20,000 रिस्पेक्टिवली, और इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दिए गए हैं 30,000, 25,000, 20,000 कर कर आपको रिस्पेक्टिवली। कह रहे इन अराइविंग एट दिस फिगर, कि इन फिगर में आने के लिए जो प्रॉफिट है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 का, जो यानी 24,000 का प्रॉफिट आपने जो कमाया है ईयर एंड में, वो ऑलरेडी बिन क्रेडिट है इनकी कैपिटल में, मतलब इस कैपिटल के अंदर प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड हो रखा है। और सोचो कि अगर इस कैपिटल के अंदर ऑलरेडी प्रॉफिट इंक्लूड हो रखा है तो ये ओपनिंग कैपिटल तो हो नहीं सकती, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल में आप प्रॉफिट को ऐड करते हो। तो अगर आपने इस कैपिटल के अंदर अपने प्रॉफिट को ऐड किया हुआ है, तो इट मीन्स कि ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। तो ये क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखी, तो इसका मतलब फिर से वही हो गया कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में गिवन हुआ और लगाना पड़ा, तो फिर आपको यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल पे आप आईओसी चार्ज नहीं करते हो। कह रहे हैं कि क्रेडिट किया है पार्टनर्स की कैपिटल में इन द प्रोपोर्शन इन विच दे शेयर्ड प्रॉफिट, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उस प्रोपोर्शन में क्रेडिट किया गया इस प्रॉफिट को जो इनका प्रोपोर्शन यानी जो इनका शेयर है। हालांकि अभी तक मुझे इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिखा नहीं है, आगे दिखेगा तो मैं बताऊंगा, बट अगर नहीं दिखेगा इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हम फिर इक्वल मान लेंगे 1:1:1, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप डेट साइलेंट मानी जाएगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए, तो इक्वल मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर ना फिर आगे इन्होंने बोला है कि इनकी ड्राइंग है 5,000 मोहन की, 4,000 विजय की एंड 3,000 अनिल की ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल की इन्होंने ड्रॉइंग भी दे रखी है, बहुत अच्छी बात है। और कह रहे हैं कि सब्सिक्वेंटली, कि फिर सारे अकाउंट फाइनल अकाउंट बनाने के बाद सब्सिक्वेंटली यानी तुरंत इन्हें पता चला कि द फॉलोइंग ओमिशन वर नोटिस्ड, इन्होंने कुछ फॉलोइंग ओमिशन को नोटिस करा, मतलब ये कुछ चीजें भूल गए, एंड इट वॉज डिसाइडेड टू ब्रिंग दैम इन टू अकाउंट, और अब ये इनको कंसिडर करना चाहते हैं यानी इनको ठीक करना चाहते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने नहीं दिया तो ये आप देना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आपको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम पार्टनर को देते नहीं है, पार्टनर से चार्ज करते हो, पार्टनर से लेते हैं, सो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें पार्टनर से लेनी थी बट हमने ली नहीं, तो हम इन चीजों को ठीक करना चाहते हैं। तो यानी हम पास्ट में करी हुई गलतियों का क्या करना चाहते हैं, एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। तो मेक नेसेसरी करेक्शन, आपको एक नेसेसरी करेक्शन करना है इन एरर्स का थ्रू अ जनरल एंट्री, मतलब आपको पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, और अगर आपके कुछ वर्किंग्स हैं तो आपने उनको क्लियरली शो भी करना है, लाइक पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाकर। अगर ऑब्वियसली बात है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है तो अब आपको ओपनिंग कैपिटल भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल दी है, ठीक है ना। तो ये वर्किंग्स आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, वर्किंग नोट में मैंने पहले कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल ही एग्जामिनर को बताया, कि अगर मैं एग्जाम में लिख रहा हूँ ये क्वेश्चन आंसर, तो मैं सबसे पहले एग्जामिनर को यही बताऊंगा कि मेरी ओपनिंग कैपिटल क्या है। तो आपको तो आप पता चल ही चुका है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, क्लोजिंग कैपिटल मैंने आपको दे रखी है 30, 25,000, 20,000 अनिल मोहन विजय अनिल की, ड्राइंग मैंने दी है 5,000 मोहन की, 4,000 विजय की, 3,000 अनिल की, मैंने कॉपी एंड पेस्ट कर दिया, ऑलरेडी ये पूरे साल की है तो बस कॉपी एंड पेस्ट किया। जो प्रॉफिट है मेरे बच्चे, वो प्रॉफिट हमें यहाँ पर दे रखा है, और प्रॉफिट जो हमें दिया है वो दिया है 24,000। अब क्योंकि बताया नहीं है कि रेशो क्या, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन्होंने दिया नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे 1:1:1, यानी 1/3, 1/3, 1/3। और सोचो अगर 24,000 को आप 1/3 से सिंप्लीफाई करते हो तो ये 8 times जाएगा यानी 8,000, तो हर पार्टनर का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 8,000 ही आ जाएगा, क्योंकि सबका रेशो बराबर है तो सबको बराबर बराबर मिलेगा। तो क्योंकि ये प्रॉफिट जब आप ओपनिंग से क्लोजिंग में गए तो आपने ये प्रॉफिट क्या कर रखा था, ऐड, पर आप उल्टा आ रहे हो क्लोजिंग से ओपनिंग, तो आप इस प्रॉफिट को क्या कर दोगे, लेस। तो 8,000 आपने प्रॉफिट भी लेस कर दिया, और अब आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ चुकी है, मोहन की आ गई है, देखो 30 में 5,000 ऐड करो तो 35 में से फिर 8,000 लेस कर दो तो ये 27 आ गया, विजय में 25 में 4,000 प्लस करो 8,000 लेस कर दो 21 आ गया, अनिल में 20 में 3 प्लस करो एंड 8,000 लेस करो तो 15,000 आ गया। तो सिंपल तो है, ठीक है ना। फिर आप बनाओगे अपनी पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, ओके, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। और ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आपने अपने कुछ कॉलम्स प्रिपेयर करने हैं, लाइक मोहन विजय अनिल एंड फर्म के कॉलम प्रिपेयर करोगे, तीन पार्टनर है तो चार आपके कॉलम बनेंगे, और एक सबसे पहला जो कॉलम आपका पर्टिकुलर का बनेगा वो थोड़ा सा आप बड़ा ही बनाना तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं।
तो मोहन के आपने दो बोलते हैं ना कि सब कॉलम क्रिएट करें, डेबिट क्रेडिट, विजय के भी डेबिट क्रेडिट, अनिल के भी डेबिट क्रेडिट और फर्म के भी डेबिट क्रेडिट। तो मुझे पता है यहाँ गलती क्या हुई, यहाँ गलती ये हो गई कि तुमने जब PNL अप्रोप्रिएशन बनाया, ये सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है, इसको आप बस समझिए। डेबिट क्रेडिट आपको पता है, आपने PNL अप्रो पहले बनाया है, डेबिट साइड एक्सपेंस की होती है, क्रेडिट साइड इनकम की होती है। आपके पास ना नेट प्रॉफिट था कितना, 24,000। आपको ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से लेना चाहिए था, पर आपने ये किया नहीं, सीधा प्रॉफिट बांट दिया किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। तो गलती हुई कि नहीं हुई, और वो गलती क्या हुई कि आपने डायरेक्ट प्रॉफिट क्यों बांटा, तो आपने जो रायता फैलाया है, जो प्रॉफिट आपने गलत बांटा है, पहले तो आप उसे वापिस लोगे, और जैसे ही आप वो गलत प्रॉफिट को वापिस लोगे तो वैसे ही आपकी फर्म एक न्यूट्रल स्टेज में आ जाएगी। तो फिर फर्म क्या करेगी, सही सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, सही सही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेगी, फिर उसके बाद फर्म का एक सही सही प्रॉफिट आएगा, तो वो सही सही प्रॉफिट पार्टनर के बीच में बांट दिया जाएगा, फिर टोटल करेंगे, बैलेंस निकालेंगे, और फिर हम सिर्फ किसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, बैलेंस की, जो कि मैंने अभी आपको प्रायर क्वेश्चन में भी बताया। सो यहाँ पे देखिए, आप ओपनिंग कैपिटल निकाल चुके हो, तो आप सबसे पहले अपना पास्ट एडजस्टमेंट टेबल के अंदर जो प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिट किया उसे डेबिट करोगे। कौन से रेशो में बांटा था, 1:1:1 में बांटा था, तो 1:1:1 में वापिस ले लिया। पहले इनकी कैपिटल हमने क्रेडिट कर दी होगी, बट अब हम इनकी कैपिटल डेबिट कर देंगे, और फर्म के पास ये प्रॉफिट वापस आ जाएगा, तो फर्म का प्रॉफिट यानी इनकम बढ़ जाएगा, तो ये क्रेडिट हो गया 24,000। फर्म न्यूट्रल स्टेज पे आ चुकी है, एक ऐसे स्टेज जहाँ पे फर्म ने कोई गलती नहीं करी। अब फर्म क्या करेगी, बोलती है कि जो मैंने बोलते हैं ना कि गलतियां पहले की थी, अब मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगी, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, तो अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे एट द रेट 10% पर एनम के हिसाब से। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम के हिसाब से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा बेटा, तो मोहन, विजय और अनिल की कैपिटल हमने क्या कर दी, क्रेडिट कर दी, क्योंकि ये चीजें हमें हम उनको दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर सैलरी भी होता तो मैं सैलरी भी क्रेडिट ही करता, है ना, क्योंकि सैलरी भी हम देते ही हैं। कमीशन भी होता तो कमीशन भी हम देते ही हैं, तो क्रेडिट करते, ठीक है ना। तो फिलहाल सैलरी कमीशन नहीं है, कोई बात नहीं, पर सैलरी कमीशन भी ऐसे ही दिए जाएंगे जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो क्रेडिट करना था तो क्रेडिट कर देंगे। अब फर्म का नुकसान हो जाएगा, फर्म का कितने रुपए का नुकसान हो गया, 6,300 रुपीज का नुकसान हो गया, क्योंकि फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब सही सही पार्टनर को दिया है, तो फर्म का प्रॉफिट डाउन हो जाएगा 6,300 से, और फर्म ने अपने 6,300 को डेबिट कर दिया, यानी ऐसा एक्सपेंस दिखा दिया। आप ये समझिए कि ये एक छोटा सा क्या है, PNL अप्रोप्रिएशन, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। चलो फिर इसके बाद फर्म क्या करेगी, जो सही सही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना था पार्टनर से वो लेगी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नाउ डेबिटेड, और इंटरेस्ट ऑन जो आपका ड्रॉइंग है वो पार्टनर के अकाउंट से डेबिट कर दिया जाएगा, क्योंकि पार्टनर से लिया जाता है, तो पार्टनर की कैपिटल कम कर दी जाएगी। तो 250, 200, 150 रुपये हमने ले लिए, और फर्म को क्योंकि ये अमाउंट मिल रहा है तो फर्म की एक तरीके से ये इनकम हो गई, और फर्म ने इसको क्रेडिट कर दिया ना। अब आप कुछ भी ठीक करने के लिए नहीं है, क्योंकि जो प्रॉफिट आपने गलत बांटा था वो आपने वापस ले लिया, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने गलत सॉरी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने नहीं दिया वो आपने दे दिया, जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपने नहीं लिया था पार्टनर से वो भी आपने ले लिया, तो आपने सारी चीजें अब ठीक कर दी ना। अब आप क्या करोगे, फिफ्थ पॉइंट पे अपना निकालोगे बैलेंस, और बैलेंस अभी नहीं निकालोगे, पहले आप बैलेंस निकालने के लिए क्या करोगे, इन सब का टोटल कर दोगे, ठीक है। बैलेंस के लिए जगह छोड़ दोगे, और पर नीचे सबसे पहले टोटल कर दोगे। फर्म का देखेंगे तो फर्म का अगर आप देखो तो फर्म का क्रेडिट साइड बढ़ा है 24,600, तो डेबिट में भी 24,600 आएगा, तो 6,300 अगर मैं लेस भी करता हूँ ना, क्योंकि फर्म का एक्सपेंस 6,300 का हुआ था, तो भी फर्म के क्रेडिट में अभी कितने बच रहे हैं, 18,300। ये फर्म का माना जाएगा नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ये करेक्ट प्रॉफिट है जो पार्टनर के बीच में बंटना था ना। अब फर्म क्या करेगी, इस प्रॉफिट को पार्टनर के बीच में बांटेगी, और फर्म का प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा यानी डेबिट हो जाएगा। पर क्योंकि ये प्रॉफिट अब करेक्टली पार्टनर को मिल रहा है 1:1:1 के रेशो में, क्योंकि इन्होंने कोई और अदर रेशो नहीं बता रखा है कि ये प्रॉफिट करेक्टली किसमें बांटना चाहिए था, तो हम 1:1:1 में ही बांटेंगे, तो तीनों को बराबर मिलेगा 6,100, 6,100, 6,100। इतना मुझे लगता है कि आप 18,300 को 1/3 से सॉल्व कर ही लोगे, है ना। 3 से इसको कैंसिल करोगे तो 3 6 18, 3 1 3 0, तो 6,100, तो इक्वल हमने इसको बांट दिया। अब फर्म के यहाँ से प्रॉफिट चला गया तो डेबिट हो गया, तो याद रखना फर्म का बोथ साइड क्या हो गया, बराबर हो गया 24,600, 24,600। पर मोहन का अगर आप देखोगे, और मोहन, विजय, अनिल का,
तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि दोनों साइड बराबर हो, तो इसलिए मोहन का देखो कौन सा साइड बड़ा है, तो यहाँ पे ना मोहन का क्रेडिट साइड बड़ा है, अगर प्लस करते हो तो 8,800, डेबिट में कितना है 8,250, पर क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है तो डेबिट का टोटल भी हम 8,800 ही रखेंगे, पर मोहन के डेबिट में कितना बच रहा है फिर 550 रुपये बच रहा है, जिसको हम बैलेंस बोलेंगे। अब ये 550 जो डेबिट में बच रहा है मोहन के, इसको हम क्या मानते हैं एक तरीके से कि भाई मोहन को नुकसान हुआ है, जो एरर हुए हैं, जो गलतियां हुई हैं कि हमने प्रॉफिट गलत बांट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट जो देना लेना चाहिए था, जो सही सही लेना देना चाहिए था, इन सब चीजों की वजह से हमारे मोहन को नुकसान हो रहा है, कितने का 550 का, तो हम मोहन को ये 550 रुपये दे देंगे और ये ये जो एरर था ये कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा। मैं देखो ये चीजें सिर्फ समझने के लिए थी, क्योंकि आपको बैलेंस निकालना था, तो इसलिए हमने ये सब चीजें करी। हम इनकी एंट्री बिल्कुल भी पास नहीं करें, हम इनका नेट इफेक्ट देखेंगे और इनकी नेट इफेक्ट की ही एंट्री पास करें, ठीक है। अभी मैंने आपको बोलते ना पिछले एग्जाम पिछले क्वेश्चन में एग्जाम बोलते ना क्या एक एग्जाम्पल दिया था, मैंने आपको 5 रुपये देने हैं, आपने मेरे 3 रुपये देने हैं, तो मैं पहले 5 दूंगा फिर 3 लूंगा आपसे, तो ये लंबा प्रोसेस है। सीधा आप कहोगे सर एक काम करो हमें 2 रुपये दे दो बात खत्म करो, क्योंकि आपने हमें 5 रुपये देने, हमने आपको 3 रुपये देने, तो इससे अच्छा आप हमें 2 रुपये दे दो बात खत्म, तो नेट इफेक्ट का हम एंट्री पास करेंगे, ठीक है ना। तो इससे हमारा टाइम भी बच जाएगा और एंट्रीज भी कम पास होंगी और हमारा एरर भी रेक्टिफाई हो जाएगा, इसलिए हम बैलेंस को रेक्टिफाई करते हैं। सो विजय का देखे तो विजय का ना बेटा बोथ साइड बराबर आ रहा है, तो इसका ना कोई भी बैलेंस नहीं बचे, तो ठीक है अच्छी बात है। यानी विजय को बोलते ना कि चीजें गलत बांटने से भी ना कोई फायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ, मतलब वो न्यूट्रल स्टेज में, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर अनिल का देखे तो अनिल का डेबिट साइड बड़ा है 8,150, और क्रेडिट साइड छोटा है कितने से 550 रुपये से, तो ये हमारा बैलेंस आ गया, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी थी तो डेबिट में भी 8,150 ही आया, पर डेबिट का टोटल कितना है इनका, इनका तो डेबिट का टोटल है 7,600, है ना। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 550 रुपये का, जो क्रेडिट में आ रहा है। अब क्रेडिट में क्यों आ रहा है इनका बैलेंस, क्योंकि इन्हें अननेसेसरी फायदा हुआ, इन्हें अननेसेसरी फायदा हुआ, और अगर इन्हें अननेसेसरी फायदा हुआ है तो इनसे लिया जाएगा, और इन्हें अननेसेसरी नुकसान हुआ है क्योंकि इनका डेबिट में बैलेंस आ रहा है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड, तो अगर इनका क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है तो ये अननेसेसरी फायदे में है, इनका डेबिट में बैलेंस आ रहा है तो ये अननेसेसरी नुकसान में, तो हम क्या करेंगे अनिल से ले लेंगे, यानी अनिल की कैपिटल को हम डेबिट, ये मैंने रफ में ऐसी एंट्री पास करी है बेटा, हमने अनिल की कैपिटल कम कर देनी है और मोहन की कैपिटल हमने बढ़ा देनी है, विजय का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं होगा क्योंकि विजय का कोई बैलेंस निकल कर नहीं आ रहा है, तो एंट्री होगी हमारी अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर आप 550 550 से एंट्री पास कर दोगे, और नरेशन अगर आप पास करना चाहो तो बींग पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, आप इतना भी लिख सकते हो कि आपने पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री क्या कर दी है पास कर दिया, या ये भी लिख सकते हो बिंग एरर रेक्टिफाई, क्या लिख सकते हो बिंग एरर रेक्टिफाई। तो मुझे लगता है इतना क्लियर हो चुका होगा अब आप लोगों को, तो दिस इज द बोलते हैं ना कि क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। ये मत कहना कि सैलरी नहीं थी, अगर सैलरी होती तो जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे होते हैं, हम यहाँ लिखते हैं सैलरी नाउ क्रेडिटेड, और जितनी सैलरी होती जिसको भी हम देते मोहन विजय अनिल उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देते, फर्म को नुकसान हो जाता। कमीशन देते तो कमीशन को भी हम पार्टनर को देते हैं, तो कमीशन को भी हम क्या करते हैं पार्टनर्स के यहाँ पे क्रेडिट करते, और जिस भी पार्टनर को हम कमीशन देते उस पार्टनर के कॉलम में हम क्रेडिट कर देते, और फर्म का नुकसान होता तो डेबिट कर देते, ठीक है। फिर वही हम लास्ट में देखते कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर को करेक्ट करेक्ट प्रॉफिट बांट दो, लॉस हो रहा है तो फिर लॉस करेक्टली बांट दो, है ना। लॉस के सिनारियों में फिर आपका अमाउंट क्रेडिट नहीं डेबिट होगा, क्योंकि लॉस अगर आप पार्टनर को दोगे तो उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा नहीं कम हो जाएगा, और ऐसे में बिजनेस के लिए लायबिलिटी भी कम हो जाएंगी क्योंकि उनका अकाउंट रिड्यूस हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा। फिर वही टोटल करोगे सबका, और फर्म का तो बहुत सारी टैली होना ही है, पर मोहन विजय अनिल का देखना है कि भाई कौन सा साइड इनका बड़ा है कौन सा साइड छोटा है, उसी के अकॉर्डिंग इनका क्या निकाल देना है बैलेंस भी निकाल देना है, और उन्हीं बैलेंस की क्या पास करनी है एडजस्टमेंट एंट्री पास कर ली, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 19, ये भी आप देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है कि राम मोहन सोना आपके पास 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, मतलब ये 1:1:1 का रेशियो रखते हैं, इनकी कैपिटल है 1,20,000 90,000 60,000 रिस्पेक्टिवली,
फॉर द ईयर 2009 इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू दैम 6% इंस्टेड ऑफ 5%। देखो कहने का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट देना था 6% से, दे दिया 5% से, और बताया नहीं कि ये कैपिटल कौन सी है। तो हम बताया नहीं है कि कौन सी है, तो हम इसे ओपनिंग कैपिटल ही मानेंगे। और 6% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, बट देना कितने से था? 5% से। तो क्या होगा बताओ, गलती क्या हुई? सर आपने ना जो 6% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है ना, वो गलत दिया है। तो जो गलत दिया है वो वापिस लेंगे, और जैसे ही फर्म वापिस लेगी तो फर्म अपनी एक न्यूट्रल स्टेज में पहुंच जाएगी, और फिर फर्म क्या करेगी, सही सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी। तो वही है, यहाँ पर जब हमने सॉल्यूशन किया है तो यहाँ पर हमने कोई ओपनिंग कैपिटल नहीं निकाली, क्योंकि हमारे पास मेंशन नहीं था कि ये कैपिटल कौन सी है, तो हमने से बाय डिफॉल्ट ओपनिंग ही कैपिटल माना। और यहाँ पर हम इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जो हमने रॉन्गली दिया था 6% से, जो हमने क्रेडिट कर रखा था पहले पार्टनर्स के यहाँ पर, क्योंकि हमने उनको दिया था ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना, अब हम क्या कर देंगे, इसे डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो 1,20,000 का 6% कितना होता है, 7,200। 90,000 का 6% कितना होता है, निकाल सकते हो ना, 90,000 का 6% है ना, आराम से निकल सकता है 5,400। सॉल्व करोगे तो 5,400 ही आएगा। और 60,000 का 6% कितना होता है, 3,600। तो ये हमने वापस ले लिया, और फर्म अपनी न्यूट्रल स्टेज, यानी फर्म को फायदा हो गया 16,200 का, तो फर्म ने अपने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। अब फर्म क्या करेगी, सही से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी 5% पर एनम से। तो अब 5% निकालो, 1,20,000 का 5% 6,000, 90,000 का 5% 4,500, और 60,000 का 5% 3,000। तो फर्म को ना देखो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने में नुकसान हो गया, तो फर्म ने अपने यहाँ पे बोलते हैं ना कि इसको नुकसान दिखाया और डेबिट कर दिया, बट क्योंकि पार्टनर को मिल रहा था, पार्टनर के यहाँ पे ये करेक्टली क्रेडिट हो गया। ठीक है, फिर फर्म क्या करेंगे, देखेगी मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेने में फायदा हुआ, मतलब वापिस, क्योंकि ये गलत दिया था, और सही देने में नुकसान हुआ, तो मेरे पास नेट कितना फायदा बच गया, नेट बच गया 2,700। डिफरेंस निकाल सकते हो आप, 16,200 में से 13,500 को माइनस करो, 2,700 अभी भी क्रेडिट में बच रहा है, यानी फर्म का अभी भी प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि और कुछ है नहीं अब करने के लिए, जो इंटरेस्ट हमने गलत दिया था ले लिया, जो सही देना था वो दे दिया, अब कुछ और बचा नहीं है। तो जो बैलेंस बच रहा है फर्म के यहाँ क्रेडिट में 2,700 रुपये, वो प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट अब हम सही सही बांट देंगे अपने पार्टनर्स के बीच में, यानी रेशो दे रखा था उन्होंने, बता रखा था कि इक्वल है, तो हम इक्वली बांट देंगे। अब 2,700 को अगर आप इक्वली बांटते हो 1/3, 1/3, 1/3 में, तो ये कितना बटेगा, 900, 900, 900। अब क्योंकि पार्टनर को मिल रहा था, पार्टनर के यहाँ पे क्रेडिट है, बट फर्म का तो नुकसान है, तो फर्म ने अपने यहाँ पे इसको डेबिट कर दिया। ठीक है, अब फर्म क्या करेगी, देखो फर्म ने तो सब कुछ अपने यहाँ से बोलते हैं ना कि जो लेना था ले लिया, जो देना था दे दिया, तो फर्म जब लास्ट में अपना टोटल करेगी तो इनका तो बोथ साइड बराबर ही आ रहा है, क्योंकि जो बच भी रहा था 2,700 वो फर्म ने डेबिट में एज अ पार्टनर को अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो फर्म का बोथ साइड तो हमेशा इक्वल होगा लास्ट में बेटा, 16,200, 16,200। पर राम का, मोहन का और सोहन का लास्ट में दोनों साइड बराबर बैलेंस आए, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए फोर्थ पॉइंट पे हम लिखेंगे बैलेंस और पहले कर देंगे टोटल। तो मुझे बताओ टोटल जब मैं करूंगा, तो राम का देखो कौन सा साइड बड़ा है, राम का डेबिट साइड बड़ा है, तो जो डेबिट साइड बड़ा है वही क्रेडिट, पर राम का जो क्रेडिट में बैलेंस है वो है 6,900। तो 7,200 में से अगर मैं 6,900 लेस करता हूँ, तो मेरे पास अभी भी क्रेडिट में कितने बच रहे हैं, 300। अब आपको समझ में आ रहा है ना, अगर इसका क्रेडिट में बच रहा है तो इसका मतलब है कि इनको ये चीजें गलत देने से कितने का फायदा हो रहा है, 300 रुपये का फायदा हो रहा है, तो ये होना नहीं चाहिए था इनको 300 रुपये का फायदा, तो ये इनसे ले लिया जाएगा। मोहन का देखे तो 5,400 रुपये डेबिट का है और 5,400 ही क्रेडिट का है, तो इसका बोथ साइड बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई भी बैलेंस नहीं आएगा। सोहन का देखे तो इसका डेबिट में 3,600 है और क्रेडिट में 3,900, 3,900 है, तो इसके क्रेडिट साइड बड़ी है, तो इसके डेबिट में भी टोटल यही आएगा, बट डेबिट में फिर कितना बैलेंस बच रहा है, 300 रुपये। अब ये डेबिट क्यों बच रहा है, क्योंकि गलत देने से, गलत चीजें देने से हमारे सोहन को नुकसान हो रहा है कितने का, 300 रुपये। राम से बोलते हैं ना कि जो अननेसेसरी फायदा उसे हो रहा है वो हम वापस ले लेंगे, तो राम की कैपिटल को हम रिड्यूस कर देंगे, और सोहन को बेचारे को अननेसेसरी नुकसान हो रहा है तो हम उसको उतना अमाउंट एक्स्ट्रा पे कर देंगे। तो याद रखना, सोहन की कैपिटल को बढ़ा दिया जाएगा, जो डेबिट है उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा, और जो क्रेडिट है उसको हम डेबिट कर देंगे, यानी उसकी कैपिटल रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, और नरेशन होगी बींग पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। बोलो क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और है 20, पर ये आपका रहेगा होमवर्क। ठीक है, ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, एक तरीके से आपका टास्क है, ये एक मिनी एक होमवर्क है। जब मैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर आपको दूंगा, तो वहां पे मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, इसका सॉल्यूशन आप वहां पे देख लेना, बट यस ये आपका होमवर्क है, घर से करके लेकर आओगे। बोलो हाँ कि ना।
सर हाँ हम जरूर करके आएंगे होमवर्क, ठीक है। तो आपने अपनी एक रफ नोटबुक तो बना ही रखी होगी, तो उसमें आपको ये क्या करना है, अपना इसका सोल्यूशन करना है और फिर नेक्स्ट क्लास में देखना है कि हाँ जो मैंने किया कि नहीं किया। मैं एक शॉर्ट वहां पर आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा इसका, कि जिसकी वजह से आप इसको रिलेट कर पाओगे कि मैंने सही किया कि मैंने गलत किया, और अगर गलत किया तो फिर क्या गलत कर दिया वो भी आप समझ जाओ, ठीक है। तो होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे मेरे बच्चों। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सयोनारा।